सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पर। आज का वीडियो लेके आ रहे हैं भाई मंजीत भाई के यहाँ से, मंजीत बैसवाल कला। जितनी बार भी छोटे भाई के पास वीडियो बनाने आए हैं उतनी बार आपने देखा है कि बहुत अच्छा पशुधन। आज की वीडियो में भी दो बहुत ही शानदार झोटियाँ जो हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। बताना चाहूँगा सबसे पहले आप भाइयों को एड्रेस, इनका जो गांव है वो बैसवाल कला इनका गांव है, जिला सोनीपत है। गोहाना, रोहतक और सोनीपत तीनों जो हैं मेन कस्बे कह लो, शहर कह लो, इनके लगभग जो है वो बीच में पड़ता है। और एक छोटे जो है छोटे सिंह की, बिल्कुल छोटे सिंह की झोटी आपको एक पावर हाउस ही मैं बोलूँगा इसे देखने को मिलेगी, जैसे ठोक ठोक के ऑर्डर पर रखा हो। और साइज भी बहुत बढ़िया है झोटी का, इसके बारे में बात करेंगे, पूछेंगे मंजीत भाई से, बैसवाल से वीडियो लेके आ रहे हैं भाई साहब। राम राम। नमस्कार भाई। मंजीत भाई कौन से ब्यांत की है जोटी है? दूसरे ब्यांत की भाई साहब, 20 दिन की ब्याई होगी। बच्चा क्या है साथ में? तूफान का कटड़ा है जी। तूफान का कटड़ा है जी, बरसात तंग बंद रही है। ठीक है ठीक है। तो दूसरे ब्यांत में दूध कितना है अभी? दूध जी काटे के तोल का 17 किलो लीटर भरने लगा, तो 20 लीटर भर देंगे जो आजकल लीटर भर रहे हैं। ठीक है ठीक है। वैसे काटे तोल का 17 किलो तैयार, 17 किलो दूध मौके पे तैयार है भाई साहब। सच्चे दांतों में 5 टाइम तोल लियो, दांतों में 6 दांत है भाई साहब, बिल्कुल ब्यूटी की झोटी, थन थन बिल्कुल सीधे रख। अच्छा, ब्यूटी की झोटी है, देखिए पूरा पड़ा सब चीज। मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले नजदीक से झोटी को, फिर खोल के भी दिखाएंगे। बिल्कुल छोटे सिंह की देखिए, साफ सुथरी झोटी है। और ये देखिए पीठ की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया, पुट्ठा जो है ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो ब्यूटी की जो बात की है मंजीत भाई ने, ये देखिए ऑर्डर की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया ऑर्डर है। और थन देखिए वो भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी दूरी पे हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, पूंछ में थोड़े से बाल वाइट हैं। आगे से भी मैं इसका ऑर्डर आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, चारों थनों का गैप काफ़ी अच्छा है। अकेला अकेला थन है, खोल के दिखाना भाई, और झोटी को चला के दिखाएंगे तो और भी आपको जो है पसंद आएगी। बिक्री के लिए है, बच्चे तक ले जाओ कोई नहीं। ये देखिए जी झोटी जब खुल के चलेगी तो और भी सुंदर दिखाई दे रही है। और बिल्कुल छोटे सिंह की प्योर जो मुर्रा ब्रीड जिसे कहते हैं, मुर्रा नस्ल कहते हैं, वो नस्ल है। साथ में कटड़ा तूफान का जो लाडो भैंस है रमेश दानसू के पास, उसके कटड़े का जो है कटड़ा है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार झोटी है। और पसंद आएगी जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, लेना चाहते हैं मंजीत भाई के कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो जो मेन फोटो जो हम लगाते हैं उसमें लगा रखे हैं, तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ले सकते हैं। पूछेंगे भाई साहब से इसकी कीमत वगैरह के बारे में। ये देखिए जी बहुत ही बढ़िया। तो मंजीत भाई बेचनी कितने की है ये? ये भाई साहब बेचनी फोन पर कर लेंगे, रेट जायज रेट ही करेंगे, फोन से ही जो है कांटेक्ट करेंगे। देखिए जी शाम के टाइम ये वीडियो हम बना रहे हैं और बहुत ही बढ़िया है झोटी के पीछे से मैं कहूँ। अच्छा हाँ। दो टाइम तीन टाइम कोई भी निकाल के देख सकते हैं ठीक है, 20 लीटर भर देगी काटे पे जो है, 17 किलो दूध तैयार है। मैं कहूँगा भैंस के पीछे से कैमरा हटाने का जो है वो मूड नहीं हो रहा, वो भी खोल ले आओ थोड़ी इधर। ये देखिए जी मीनी, दो तीन खासियतें भैंस की, वो भैंस की हैं जो आगे खड़ी है, मीनी भी है और दो थनों वाली भी है। तो मंजीत भाई ये कौन सी बार भी आएगी? ये तीसरी बार भी आएगी भाई साहब, दूसरी बार 19 किलो दूध था इसका, दूसरी बार में 19 किलो दूध था, ठीक है। और इसके 10 दिन है, 20 तारीख का टाइम है, 20 तारीख का टाइम है, 10 दिन बाकी हैं। हाँ। इसको भी चलाना खोल के। ये देखिए जी मीनी है, दोनों सींग हिलते हैं, छोटे छोटे सींग है, एक रेयर ही जो है पशुधन ऐसा मिलता है जो मीनी भी हो और दो थनी भी हो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, छोटे छोटे सींग है और नीचे से कितनी खूबसूरत है भैंस के, जो चार थनों वाली है। लेने वाले जो बहुत सारे भाइयों के हमारे पास फोन आते हैं कि जी दो थनी भैंस चाहिए, तो दो थनी भैंस देखिए जी बहुत ही बढ़िया। ये देखिए 19 किलो दूध जो है पिछले साल दिया है भाई साहब का कहना, रोकना भाई एक बार इधर, 19 किलो दूध दिया है। मैं एक बार दिखाऊंगा नज़दीक से, गोबर जो है वो कर रही है भैंस। ये देखिए दो थन जो है भैंस के, ऑर्डर की क्वालिटी देखिए बहुत ही बढ़िया।
और थन भी देखिए ऐसा लग रहा है जैसे चार थनों, दो आगे मिलेंगे दो पीछे, ये पीछे वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पीछे जो है वो थन देखने को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया देखिए जी, जो दो थनों वाली और मीनी स्पेशल मीनी, इसको ज्ञापन का भी पता है कौन से बुल से करवा रखी है ज्ञापन भाई साहब, क्लियर कौन कह सकते जी। अच्छा हाँ, वही तो शानदार का भी तो भी हुई थी। हाँ और कराई एक दूसरे कट्टे तभी ना पता जी शानदार की रुक रही है कुछ कट्टे की रुक रही। ठीक है ठीक है, डायरेक्ट क्रॉसिंग है और बीज भी रखवाया था। तो मंजीत भाई ये क्या उम्मीद करते हो, इस बार 2 किलो दूध तो बढ़ाना चाहिए भैंस? देखो जी ब्याज आएगी ज्यादा बेचेंगे। अच्छा 21 किलो दूध पे चली जाएगी उम्मीद तो है जी, 20-21 किलो दूध करना चाहिए इसने। ठीक है, ये कितने की बेचनी है? मौके पर करेंगे, जिसका तो ब्याह बाद से बेचेंगे, ब्याहने के बाद बेचेंगे। सिंग ला के दिखाना एक बार, सिंग तो इसके थोड़े थोड़े हैं जी, ये देखिए जी थोड़े थोड़े मामूली मुन्ना मात्र है, बढ़ते नहीं है ज्यादा, इतने ही रहे। ठीक है ठीक है, बहुत ही सुंदर जो है मीणी है। अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया देखिए जी, वजन वाली भैंस है साफ सुथरी, और ये जोटी जो दूसरे ब्यांत में है बहुत ही लाजवाब, दोनों की दोनों भैंसे, एक चार थनों वाली है, चार थनों में एक किस्म से बहुत ही जोशीली और बहुत सुंदर जोटी है, और एक दो थनों में है, दो थनों के साथ साथ मीणी भी और जो है दो थनी भी। तो आप लेना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं भैंसवाल कला से, ये वीडियो लेके आए। एक और धमाका ही है भाई के पास, वो भी दिख रहे हैं, लेना मंजीत खोल के। एक और भैंस दिखाता हूँ मैं, जिसकी बहुत अच्छे दूध पे चल रही है, थोड़े दिनों में लाइव मिल्किंग जो है भाई करवाएंगे, और एक किस्म से मैं जो कह रहा हूँ कि धमाका ही है, तो धमाका ही करेगी भैंस, दिखाऊंगा एक बार। बाहर आ जाती है, अंदर बंदी हुई है, बेड बड़ाका है अंदर, ये देखिए जी ये आ गई भैंस। मंजीत कितना दूध है इसमें आज? भाई सब चुवाई कराऊंगे 25 से तड़े तो के चुवाई कराऊंगे, 25 से ऊपर चला चुवाई कराऊंगे ना तो कराऊंगी, 25 से ऊपर चलेगी तो मिल्किंग करवाएंगे। ये देखिए जी बहुत ही बढ़िया, ले आओ। और कौन से ब्यांत में है? तीसरे ब्यांत में भाई साहब, लड़की ने 20 किलो दूध दिया, और दूसरे ब्यांत में 23 किलो दूध दिया था 19 दिन की भाई ने। अच्छा, तीसरा या बीमार बहुत रहेगी जिस शुरू में, अब 3 महीने की ब्याई हो जाएगी, और 25 से ऊपर चलेगी तो चुवाई कराऊंगी। ठीक है, 25 से ऊपर जाएगी तो ही चुवाई कराएंगे। देखिए जी एक धमाका ही है, जो दिखाने का कोई है, बाकी नजदीक लग रही है। अच्छा नजदीक लगी हुई है 25 किलो के। ठीक है, तो ये देखिए जी एक धमाका ही जो मैं कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं भैंस अंदर जाती हुई। बाकी इन दो भैंसों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, तीसरी भी बेचनी तो जरूर होगी भाई ने, लेकिन मिल्किंग के बाद ही जो है 25 किलो का एक क्रेज अलग होता है, तो उसके बाद ही जो है बेचेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना, पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। नमस्कार दोस्तों।